युवा साथियों, कांग्रेस सरकार पहले जब यहां थी तब ये कुछ नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का रवैया ही, उनका दृष्टिकोण ही नकारात्मक। अभी मोदी जी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की संसद का नया भवन 28 तारीख को लोकार्पण करने वाले हैं, देश को समर्पित करने वाले। एक कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और वहां के मुख्यमंत्री ने किया, उस वक्त राज्यपाल महोदया कहां थी? वो ट्राइबल थी, आपने नहीं बुलाया। झारखंड विधानसभा का भूमि पूजन श्री हेमंत सोरेन जी ने किया, उन्होंने भी राज्यपाल महोदय को नहीं बुलाया। असम में श्री तरुण गोगोई ने किया, उस वक्त भी राज्यपाल को नहीं बुलाया। मणिपुर विधानसभा का लोकार्पण श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, राज्यपाल नहीं थे। ये देश की जनता का जनादेश, देश की जनता कांग्रेस की इच्छा पर निर्भर नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोगों ने मोदी जी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है, मगर एक कांग्रेस पार्टी और उनका राज परिवार प्रधानमंत्री जी को स्वीकारने के लिए 9-9 साल तक तैयार नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी को संसद में बोलने लगे, वो जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं ये बहिष्कार करने जाते हैं।